नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन ग्लोबल इंडियंस में बात करेंगे हम उन भारतीयों की जिन्होंने भारत के बाहर भारत का बजाय डंका और स्थापित किया अपना परचम। आज उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारतीय मूल की दिग्गज अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ की। हम बताएंगे आपको उनके जन्म स्थान के बारे में, बताएंगे उनकी शुरुआती शिक्षा, उन्होंने कहाँ से ग्रेजुएशन की, कहाँ से उन्होंने MA की, उसके बाद वो कब वाशिंगटन पहुंची और किस तरह वो दिग्गज अर्थशास्त्रियों के नाम में अपना स्थान बनाया उन्होंने। चलो बताते हैं हम आपको विस्तार से। गीता गोपीनाथ जो कि भारतीय मूल की हैं, उनका जन्म 8 दिसंबर 1971 को कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ था। मूल रूप से उनके माता पिता केरल के थे। शुरुआती शिक्षा उनकी कर्नाटक के मैसूर में हुई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ से उन्होंने इकोनॉमिक्स में BA ऑनर्स किया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में ही दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में MA किया, यानी इकोनॉमिक्स से उन्होंने MA किया। उसके तत्पश्चात वो वाशिंगटन चली गई और वहाँ से उसने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से 1996 से 2001 के बीच PhD की और तत्पश्चात वो शामिल हुई दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्रियों में। हम आपको बता दें दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्रियों में शुमार गीता को इंटरनेशनल फाइनेंस और माइक्रो इकोनॉमिक्स संबंधित शोधों के लिए जाना जाता है, यानी उनको जिनके लिए उनको जाना जाता है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस और माइक्रो इकोनॉमिक्स संबंधित शोधों के लिए। गीता गोपीनाथ पहली महिला है जो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी और इसके अलावा साल 2019 में उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा गया और कोरोना काल के दौरान दुनिया की अर्थव्यवस्था को में उन्होंने सुदृढ़ बनाए रखा और असाधारण काम उन्होंने किए। ऐसी हैं गीता गोपीनाथ जो कि एक ग्लोबल इंडियंस है जिसके बारे में आज मैंने बात की। हम जल्द मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लिखिए कमेंट बॉक्स में हमारा चैनल आपको कैसा लगा। थैंक यू।